घूसखोर आरोपी सहिरा मीणा और दलाल कमलेश के खिलाफ एसीबी कोर्ट में चालान पेश किया गया। एसीबी के एडिशनल एसपी ठाकुर चंद्रशील ने कोर्ट में 275 पेज का चालान पेश किया। एसीबी ने चालान अवधि पूरी होने से ठीक एक दिन पहले कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। वहीं मामले को लेकर के ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि चित्तौड़ के जिला अफीम अधिकारी सहित अन्यों के खिलाफ फिलहाल अनुसंधान जारी है। गौरतलब है कि कोटा एसीबी ने 26 जनवरी को नारकोटिक्स विभाग के एडिशनल कमिश्नर सहिरा मीणा को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। फिलहाल दोनों आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में हैं। आज सहिरा मीणा के केस में हमने यहाँ पे चार्जशीट पेश कर दी है एसीबी कोर्ट में। कल 60 दिन पूर्ण होने को थे इनके जुडिशियल कस्टडी में, उसको देखते हुए आज चालान पेश कर दिया। कितने पेज का है ये एग्जैक्टली कितने पेज का है ये तो मैं आपको बाद में बता पाऊंगा। अभी हमने इनके खिलाफ तो पूर्ण चालान पेश किया और ये सुरमणियम जो जिला अफीम अधिकारी हैं चित्तौड़गढ़ में एवं अन्य के विरुद्ध 173-8 में अभी एक के खिलाफ चालान पेश किया है, अन्य के खिलाफ अभी अनुसंधान पेंडिंग है 173-8 में जो कि पूर्ण होने के बाद। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।